तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करें एमएस एक्सेस, और एमएस एक्सेस में हम कुछ एक एक तरह का डेटा एंट्री करने वाला बनाना चाहते हैं। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले एक ब्लैंक डेटाबेस देता हूं, और यहां पे हम डेटा 4 के नाम से इसको सेव कर देते हैं। हमारे पास एक्सेल सीट पे ऑलरेडी डेटा है और मुझे इस डेटा को चाहिए होगा यहाँ। तो हम इंपोर्ट करने का तरीका बताया था कि हम एक्सेल डेटा जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट करते समय आईडी का एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि आईडी पहला कॉलम कंसिडर नहीं करता। तो हम पहले कॉलम ऐसे एक ब्लैंक ले लेते हैं, और इसको सिलेक्ट करके यहां पे आते हैं, और इसको सिलेक्ट करके इसको हम कंट्रोल वी कर लेते हैं। ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो देखिए आईडी खुद ब खुद जनरेट हो गया। तो याद रखिएगा, पहला कॉलम कॉपी पेस्ट करने पे नहीं लेता है, तो एक ब्लैंक कॉलम ले लीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक अब इसको यहां पे हम डेटा के नाम से सेव करते हैं। अब मुझे इसको करना है, डेटा एंट्री के लिए फॉर्म बनाना है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया था कि हम सिंपल फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म क्रिएट हो जाता है, अब देख पा रहे हैं फॉर्म क्रिएट है, ठीक है। लेकिन जब इसको यहां से हम स्टोर कर देते हैं, अब डेटा एंट्री की बारी आती है। तो डेटा एंट्री में क्या होता है कि नई एंट्री अगर करनी है तो यहां क्लिक करते हैं या बटन बना ले, न्यू एंट्री पे चले जाए, वहां पे न्यू एंट्री कर देते हैं। लेकिन पुराने एंट्री के लिए क्या करें, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करना पड़ता है कि यहाँ पे मैं 5 लिखूं, तो यहाँ पे 5 लिख के जब एंटर मारूंगा तो 5 आएगा, ठीक है, वो भी सही से नहीं आ रहा। बिल्कुल तो कुछ ऐसा चाहता हूं कि आईडी में मैनुअल लिखूं, आईडी लिखते ही बाकी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाए, ठीक है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करो तो नया ऐड हो जाए, ठीक है सर। हाँ सर, तो कैसे, तो इसके लिए मुझे एक और टेबल बनाना होगा। मुझे क्या करना होगा, एक और टेबल जिसमें हम सिर्फ आईडी रखेंगे। क्या रखेंगे, आईडी। इसकी डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। यहां पे डेटा ENTR, डेटा D के नाम से इसको करते हैं। आईडी ऑटो नंबर नहीं रहेगा, आईडी क्या रहेगा, ये रहेगा नंबर, ठीक बिल्कुल है, नंबर पे नंबर। सॉरी नंबर 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 रहेगा। और इसके बाद यहां पे डेट एंड टाइम हम ऑटोमेटिकली लाना चाहते हैं, एंट्री डेट, कि जो भी कोई यहां पे नंबर टाइप टाइप करेगा तो यहां पे नंबर टाइप हो जाएगा। ई डेट, यहां पे हम कैलकुलेटेड में जाते हैं, फंक्शन विल डेट एंड टाइम, डेट से डे मिनट आवर, अच्छा इसमें सिस्टम डेट नहीं दिया हुआ है, ओके तो हटाइए, उसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते, एक सिंपल सा ही रख दिए, यानी यस कर देते। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे डेटाबेस टूल्स के अंदर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में हम दोनों टेबल को रखते हैं, ठीक है। अब इस आईडी को इस आईडी के साथ लिंक कर देते हैं, लिंक हो गया। जैसे आप बात कर रहे थे क्या है,
तो ये देखिए, ये दोनों के दोनों आपके ज्वाइन होते हैं। यहाँ पे ज्वाइन के टाइप होते हैं कि जैसे एनफोर्स रिलेशनशिप एंटिटी में क्या होता है, कैश कोड अपडेट रिलेटेड फील्ड एंड कस्ट डिले रिकॉर्डेड फील्ड। इसके बाद ज्वाइन के टाइप होते हैं। तो ज्वाइनिंग में आपको हम समझाएंगे कि क्या होता है, मतलब कि इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और क्या होता है। इसमें तीन तरह की ज्वाइनिंग होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आप वही समझ तो सकते बोल, हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हम बताएंगे। नहीं उसमें बोलिए, सर उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मतलब उसमें जब करते हैं तो कुछ नहीं मैं पता आपको चलता है कि ये चीज एक्चुअली वो। समझाऊंगा जब जब इसको आप समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्यूरी, क्योंकि क्यूरी में दोनों डेटा का डेटा सामने दिखेगा तो आपको समझाने में हाँ अच्छा हाँ होगा, समझिए ना। ठीक है अभी यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं, सिंपल सा क्रिएट हो गया। अब इसको करते हैं सेव, और इसके बाद हम आते हैं डिजाइन फॉर्म में, ठीक है। सर। और डिजाइन फॉर्म में हम डेटा डी से आईडी लेते हैं, यहां रखते हैं, आ गया। उसके बाद यहां से बाकी इंफॉर्मेशन यहां उठाते हैं, तो यहां से ये उठा के धर दिया, अच्छा ये डिजाइन फॉर्म ले लिया हमने ना, ये इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, इसको नो करते हैं, हम डिजाइन फॉर्म लेते हैं। हमने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर दिया, डिजाइन फॉर्म कैसे बनाए थे ना इसको हम, और यहां से इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं हेडिंग वगैरह दे दीजिए, यहाँ पे जाके क्रिएट में, सॉरी यहाँ अरेंज फॉर्म डिजाइन में होता है, यहाँ से लेबल यहाँ पे क्लिक किए लेबल को, सर्च एंड एडिट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ फॉर्म फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट में यहाँ फॉन्ट दिखेगा, फॉन्ट फॉन्ट की साइज इसको मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग फील्ड में डेटा डी का हम आईडी निकालते हैं, जो कि यहां हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ ईयर, ईयर के बाद मंथ, इसको नजदीक करना है तो और नजदीक भी कर सकते हैं। उसके बाद इनकम सोर्स, इनकम के बाद यहाँ पे इनकम ब्रेकडाउन, ऑर्डर्स, उसके बाद टारगेट इनकम, हेलो हाँ हाँ सर बताइए सर। पिछले यहाँ पे ऑपरेशन प्रॉफिट, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्केट सिटी सिटी
इवेंट मोड, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रिफंडेड, एंड कस्टमर। और इसके बाद यहां पे हम बटन्स लेते हैं, बटन को डिजाइन करते हैं। और यहां पे रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहां पे ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहां पे ऐड, फिर ऐड रिकॉर्ड, ऐड डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे फिनिश, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, सेव, इसमें डेटा एंड ओके। ये डेटा के नाम से ऑलरेडी है, डेटा ई के नाम से। अब इसको खोलते हैं तो ब्लैंक दिख रहा है पूरा, पहले से ब्लैंक है। जैसे हमने वन लिख के टाइप प्रेस किया, पूरा रिकॉर्ड आ गया सर। हाँ सर, अब मान लीजिए कि इसमें ऑर्डर को हम 40 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 40, ऑर्डर 41 था ना, यानी 50 कर देता हूँ, 50, ऐड डेटा। तो अब जाके देखे डेटा के अंदर में आपका वन में 50 ऑर्डर हो गया, पहले कम था, 50 ज्यादा चेंज हो गया, अच्छा समझे। अब मुझे नई एंट्री करनी है, तो नया आईडी अगर लिख डालना है, नया एंट्री करना है, तो यहाँ पे आई नंबर 100, 100 का भी है, 500, 500 नहीं है, 500 का ईयर, ईयर 2023, मंथ जैन, इनकम सोर्स कैश, इनकम टाइप नंबर है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन, ऑर्डर नंबर 55, टारगेट इनकम 5000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500, मार्केट स्ट्रेटजी ओल्ड सिटी दिल्ली वन, पेमेंट मेथड कैश, रजिस्ट्रेशन स्टेटस ओके, रिफंडेड 5%, सही 5% में 0.5 लिखना पड़ेगा सर, ठीक है ना, तब वह फाइव अच्छा परसेंट आएगा। रिसोर्स डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, कस्टमर नंबर 45, और जैसे ऐड पे क्लिक करूंगा ये ऐड हो जाएगा, और डेटा के अंदर देखें सबसे लास्ट में आ गया सर। हाँ सर, और कितना दिया था सर? 500 दिया था ना? अरे दिल्ली रहा ना, आ गया ऑर्डर है, ठीक है समझे। लेकिन यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है, ये 481 है, और हमने क्या डाला था, हमने यहाँ पे, हाँ 481 है, सही तो है, हाँ सर, सही है सर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि सर आईडी जो है हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया, आपको यही चाहिए था ना। हाँ सर, अभी एक बार प्रैक्टिस करके सर देखता हूँ, क्योंकि यही चाहिए ठीक था है मेरे ठीक को। है ठीक।